कैफ़े हॉट मील्स के ओनर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने एक डिफरेंट वेंचर ज़िला में ओपन किया है। आप देखिएगा तो यूथ के लिए ऐसा कोई सिटिंग प्लेस या प्राइम लोकेशन पे ऐसी कोई स्पेस नहीं है जहां पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई इस वेंचर के लिए। मधुबनी से जब आप झंझारपुर के लिए निकलते हैं तो इस रूट में खाने के लिए उचित प्रबंध नहीं था, जो भी था छोटा मोटा था, तो हम लोगों को उम्मीद है कि इस रूट में ये खुलने से जो भी लोग इधर से गुजरते हैं उनके लिए अच्छा होगा। जिला परिषद अध्यक्षा नारी सशक्तिकरण की प्रतीक बिंदु गुलाब यादव जी हैं, जो कैफे द हॉट मिल्स आज जो रेस्टोरेंट खुला है रामपट्टी में, उसका आप शुभ उद्घाटन करने पहुँची है, क्या संदेश देना चाहती हैं मैडम? सबसे पहले तो मैं कैफ़े हॉट मील्स के ओनर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने एक डिफरेंट वेंचर ज़िला में ओपन किया है। आप देखिएगा तो यूथ के लिए ऐसा कोई सिटिंग प्लेस या प्राइम लोकेशन पे ऐसी कोई स्पेस नहीं है जहां पे लोग अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई इस वेंचर के लिए, और आप सभी को मैं बोलना चाहूँगी आप लोग भी आके ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ का फूड, और आपका जो भी रिव्यू होगा दीजिए। युवा है जो भी ओनर है, तो मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि वो आप लोग के रिव्यूज़ लेके इम्प्रूवमेंट का जहाँ पे भी स्कोप है करके और इस वेंचर को और भी आगे लेके जाए, इसके और ब्रांचेस ओपन करें, यही मेरी बेस्ट विशेस है उनके लिए। मैडम लगता है कि आपको ये एक स्वरोजगार का ये एक माध्यम बना है? नहीं, फूड इंडस्ट्री आप देखिएगा हमेशा से तो काफ़ी प्रायोरिटी पर रहा है, बेसिकली यूथ सब के लिए, जहाँ पर कॉलेज क्राउड ज़्यादा होता है। मैं खुद एक बहुत बड़ी फूडी हूँ, बट किसी कारणवश ज़िला में मेरे को वैसे स्पेस नहीं मिल पाते हैं जहाँ पे मैं रेगुलर विजिट करके कुछ खा सकूँ। तो मैं खुद को भी यहाँ आके बहुत जल्दी मेन्यू ट्राई करने के लिए लिस्ट पे रखी हूँ। तो डेफिनेटली एक गुड बिजनेस है ये, एक अच्छा वेंचर है। मुझे तो लगता है कि मैडम आपके लिए एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि आप मधुबनी से काम समाप्त करके लौटेंगे अपने घर के लिए, तो आपके रास्ते में पड़ता है रामपट्टी। रामपट्टी हाट के पास द कैफ़े द होट हॉट मिल्स का आज ग्रांड ओपनिंग हुआ है, और उसके ग्रांड ओपनिंग में जिला परिषद अध्यक्षा मैडम बिंदु गुलाब यादव, शेखर सुमन मुखिया कोयलक, रामपट्टी के मुखिया अरुण चौधरी और भाजपा नेता शंकर झा सहित अन्य गणमान्य ने विधिवत रूप से उसका उद्घाटन किया है। हम बात करते हैं युवा मुखिया शेखर सुमन से, क्या शुभकामना दे रहे हैं? सबसे बड़ी बात है कि मधुबनी से जब आप झंझारपुर के लिए निकलते हैं तो इस रूट में खाने के लिए उचित प्रबंध नहीं था, जो भी था छोटा मोटा था, तो हम लोगों को उम्मीद है कि इस रूट में ये खुलने से जो भी लोग इधर से गुजरते हैं उनके लिए अच्छा होगा। जैसे मैडम ने खुद ही कहा है कि उनको इसी रूट से जाना होता है, तो वो भी आके यहाँ पर ट्राई करेंगी, और हम लोग भी जब भी जाते हैं मधुबनी से या फैमिली को लेकर साइड में बैठने के लिए कोई कहीं जाइए तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, वे बीच मार्केट में है तो दिक्कत होती है, लेकिन यहाँ पे उन सब चीज़ों से निजात मिल सकेगा। और अच्छा भविष्य के लिए इनको बहुत सारा शुभकामनाएं, ताकि अच्छा चले और हम लोग तो साथ हैं ही। पार्किंग की सुविधा, और सबसे बड़ी बात है गाड़ी लेके लोग आते हैं चार चक्का, तो लगाने में सुविधा होती है, शहर की जाम होती है। रामपट्टी के मुखिया हैं, आपके पंचायत में आज एक अच्छा रेस्टोरेंट का शुभारंभ हुआ है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं, मधुबनी से लोग जब भीड़ भाड़ चलाता है, गाड़ी नहीं लगाने का व्यवस्था रहता है, अब मधुबनी से झंझारपुर के बीच में पहला रेस्टोरेंट खुला है, और लोगों में जिज्ञासा थी इस टाइप का जो खुले, ताकि नौजवान लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका आनंद ले सकें। धन्यवाद। भाजपा नेता शंकर झा जी, सामाजिक कार्यकर्ता, क्या संदेश देना चाहते हैं? हम शुभकामना देना चाहते हैं, चूँकि मेरे गांव में रेस्टोरेंट खुला है, और अभी ज़्यादातर लोग ये पसंद करते हैं कि शहर से बाहर, शहर के किसी कोना में कोई रेस्टोरेंट हो और मैं अपने पूरे परिवार के साथ जाकर वहाँ खाना खाऊं। मनुष्य के व्यस्तम जीवन में लोगों को समय का अभाव रहता है, तो कभी कभार अपने बच्चों के साथ शहर से बाहर जाकर उत्तम भोजन मिले। मैं इनके ओनर से, हमारी इनके पिताजी से हमारी पूर्व परिचय है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, और जो इस इलाके का लोग का आकर्षण का केंद्र बना हुआ रहेगा। आप अपने मित्रों या परिवार के साथ अगर स्वादिष्ट, स्वच्छ और साफ सुथरा वातावरण में पार्किंग की व्यवस्था अगर प्रोग्राम बना रहे हों कि उत्तम भोजन करने का, तो रामपट्टी में हाट के निकट फर्स्ट फ्लोर पर एक
कैफे द हॉट मिल्स रेस्टोरेंट खुल गया है, यहाँ आ सकते हैं और आप स्वादिष्ट भोजन कर सकते हैं। गार्जियन है जो खोल रहे हैं, आपके ये पोते खोल रहे हैं, आप क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? हॉट मिल्स, दी हॉट मिल्स, ये हॉट मिल्स में अंग्रेजी में नॉर्मली हॉट मिल्स का मतलब दूसरा हो जाता है। तो हॉट मिल्स में क्या क्या होगा, क्या क्या मिलेगा, नहीं मिला सो नहीं। दिस पर्टिकुलर दिस हॉट मिल इज अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एस सी अम्ब्रेला। इट इज़ अंडर दी एस सी अम्ब्रेला। इसलिए दिस हॉट मिल्स एक इसका नाम है, लेकिन असल में ये मछली में इसको हम कह सकते हैं गर्म भोजन, टटका भोजन, टटका भोजन, गर्मा गर्म टटका, टटका भोजन, टटका भोजन मछली में टटका भोजन मिलेगा, गरम गरम मिलेगा, सही सही मिलेगा, बढ़िया बढ़िया भोजन मिलेगा। कैफे द हॉट मिल्स, इसका कंसेप्ट आप मधुबनी को दिए, मधुबनी में ये और खासकर ग्रामपट्टी में बहुत ज़रूरी था। यहाँ के लोग ग्रामीण परिवेश से जुड़ा हुआ है और आपका जो होटल खुला है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है NH 57, यहाँ से लोग जाते हैं जो सिलचर से लेकर गुजरात तक का जो सफ़र तय किया करते हैं, तो अच्छा लोकेशन पर खुला है। ये कंसेप्ट जो आप दे रहे हैं ये कहाँ से विचार आए? आने के पीछे यही कारण है कि एक बार मैं भी जब रात को वापस आ रहा था तो रास्ते में जब मैं सोचा कि मधुबनी में जाने से अच्छा है कि थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कुछ मिल जाएगा, लेकिन घर पे कोई थे नहीं उस टाइम पे, तो ऐसा हुआ कि मुझे सारी रात घर पे आकर के खुद से कुछ बना के खाना पड़ा और फिर सो जाना पड़ा। तो उसी दिन मैंने सोचा कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट इस हाईवे पे भी होना चाहिए जो कि मधुबनी से अगर आप झंझारपुर की तरफ बढ़ते हैं तो रास्ते में कहीं कोई एक ऐसा लोकेशन हो जहां घर के साथ परिवार के साथ बैठ करके आप वहां अन्य प्रकार के व्यंजनों का लाभ उठा सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट के को सोचते हुए मैंने दिमाग में ये सोचा और इस वेंचर के लिए मैं आगे बढ़ा। इसमें क्या क्या सुविधा आप दे रहे हैं? यहाँ एक जैसे कि जिस जो ये लोकेशन है और जिस परिवेश से हम लोग आते हैं गांव में मिथिलांचल में, तो यहाँ पे 70 रुपये की मिनिमम वेज थाली से लेकर के नॉनवेज की चिकन मटन एग कड़ी और जो भी मॉडर्न डिशेज में हम कहते हैं जैसे कि बिरयानी कबाब सीख कबाब और जो भी तंदूर के जो भी आइटम्स हैं वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर एक मिनिमम कॉस्ट में लोगों को प्रोवाइड कराने की यहाँ पर सोचे हैं। हमें यहाँ के लोगों से बहुत बहुत ही उम्मीद है कि लोग यहाँ पर हर एक चीज़ में हमारा सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और इसके लिए जनप्रतिनिधि लोग आए हैं, इससे हम बहुत खुश हुए हैं। निश्चित तौर पर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, एक बार पहुँचे कैफे द हॉट मिल्स और यहाँ का बना हुआ जो भोजन है, यहाँ के बना हुआ अलग अलग मेनू में जो भी आपको चाहिए वो पहुँचे और प्राप्त करें। हम पहुँचे थे रामपट्टी हाट के निकट जो द मिल्स कैफे रेस्टोरेंट खुला है उसके शुभ उद्घाटन में। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में, तब तक आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहिए KR News Live। धन्यवाद।